हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारसेरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पंच के बारे में। इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि इसके बूट स्पेस के बारे में, इसकी डायमेंशंस के बारे में, इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में, इसका वेरिएंट कौन सा बढ़िया है, किस वेरिएंट में क्या फ़ीचर्स आते हैं, ये सारे चीज़ें हम आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। So without wasting any time, let's start the video. सबसे पहले dimensions की बात करते हैं। Length की बात की जाए तो इसकी length 3827 mm है, width इस कार की 1742 mm है, और इसकी height 1615 mm है। Wheel base की बात की जाए तो इसका wheel base 2445 mm है। वहीं अगर ground clearance की बात की जाए तो इसकी ground clearance 187 mm है। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसका बूट स्पेस 366 लीटर्स का है। इंजन ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें आपको सिंगल इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि है 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन। ये 88 bhp का पावर प्रोड्यूस करता है और 115 nm का टॉर्क। वहीं अगर ड्राइव मोड्स की बात की जाए तो इसमें आपको दो ड्राइव मोड्स देखने को मिलेंगे, एक ईको और एक सिटी। वहीं अगर ट्रांसमिशंस की बात की जाए तो इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड AMT देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको इसमें जो माइलेज क्लेम वो अराउंड 20.09 की MPL की होगी मैनुअल ट्रांसमिशन में, और अगर ऑटोमेटिक आप इसका कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें आपको 18.8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल सकती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर्स की है। बात करें पंच प्योर वेरिएंट की तो इसमें सेफ्टी से स्टार्ट करें तो इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट प्रोविजन, सेंट्रल लॉकिंग विद की, ब्रेक स्वे कंट्रोल। वहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में आपको फ्रंट पावर विंडोज, टिल्ट स्टेयरिंग, 90 डिग्री डोर ओपनिंग, रियर फ्लैट फ्लोर, और वहीं डिज़ाइन में आपको LED इंडिकेटर्स, ब्लैक आउटसाइड डोर हैंडल, डोर व्हील आर्च एंड सिल्क क्लैडिंग, आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, और इसमें आपको 15 इंचेस के स्टील व्हील्स देखने को मिलेंगे जिसकी प्रोफाइल 185x70 होगी। अभी तक जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं आप उन सब की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप पंच प्योर वेरिएंट में म्यूज़िक सिस्टम मिस कर रहे हैं तो आपको ये फैसिलिटी कंपनी से ही मिल जाएगी। इसमें आपको 3 इंच का एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके साथ 4 स्पीकर्स और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की फैसिलिटी भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एडवेंचर वेरिएंट की, तो इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो जो फीचर्स आपको प्योर रिदम वेरिएंट में मिल रहे थे, उसके अलावा इसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ऑल पावर विंडोज, फॉलो मी होम हेडलैम्प, मैनुअल डे नाइट IRVM, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की, फुल व्हील कवर्स, बॉडी कलर डोर हैंडल्स, बॉडी कलर्ड ORVMs जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं आप उन सब की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें आप रिदम पैक भी ऑप्ट कर सकते हैं, इसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 2 ट्विटर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे। इस वेरिएंट में आपको जो एडवेंचर रिदम में जो फीचर्स मिल रहे थे, उसके अलावा इसमें आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिलेगी वो हरमन की होगी, हरमन के स्पीकर्स इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको LED टेल लैंप्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, 15 इंचेस के हाइपर स्टील व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, 1 टच डाउन पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल फीचर, ट्रैक्शन प्रो, ये सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ ही आएगा। अभी तक जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं आप उन सब की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
एकम्प्लिश वेरिएंट में लगभग सारे टॉप मॉडल वाले फीचर्स आ ही जाते हैं, बट अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं उस फीचर से तो आप इसका डेजल पैक कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको 16 इंचीज के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एलईडी डीआरएल्स, प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स और जो इसका ए पिलर होगा उसे ब्लैक टेप कर दिया जाएगा। अगर आप पंच का टॉप मॉडल नहीं लेना चाहते तो मेरे अकॉर्डिंग आप इस वेरिएंट को कंसीडर करके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। बात करें क्रिएटिव वेरिएंट की, जो फीचर्स आपको डेजल पैक में देखने को मिल रहे थे उसके अलावा इसमें आपको रूफ रेल्स, 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक हेड लैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, फुली ऑटोमेटिक AC, कूल्ड ग्लव बॉक्स और उसके अलावा इसमें आपको रियर वाइपर प्लस वॉशर, रियर डीफॉगर, पडल लैम्प्स, रियर साइड आर्म रेस्ट, लेदर स्टेयरिंग एंड गियर नॉब जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी तक जो भी फीचर्स मैंने बताए हैं आप उन सब की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी कार में कनेक्टेड कार फीचर्स चाहिए तो आप इसका ईरा पैक भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, उसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले आप स्क्रीन पर पंच के प्राइसेस देख पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आपको इसका अकम्प्लिश वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे एक नॉर्मल बायर सेटिस्फाई हो जाएगा। पंच अकम्प्लिश को कंसीडर करने के क्या क्या रीजंस हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बट अगर आप बजट पर हैं और आप अकम्प्लिश वेरिएंट कंसीडर नहीं कर सकते तो उस केस में आप इसका प्योर वेरिएंट कंसीडर करें विद रिदम पैक, क्योंकि उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। पंच में आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बट ये कलर्स आपको हर एक वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर प्योर वेरिएंट की बात करें तो इसमें सिर्फ आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, वाइट और ग्रे। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेते हैं तो आपको वाइट और ग्रे के अलावा इसमें आपको ऑरेंज, ट्रॉपिकल मिस्ट कलर देखने को मिलेगा। अकम्प्लिश वेरिएंट की बात करें तो इन चारों कलर्स के अलावा उसमें आपको ब्रॉन्ज कलर देखने को मिलेगा। क्रिएटिव वेरिएंट की बात करें तो इन चारों कलर्स के अलावा उसमें आपको रेड और ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इसमें आपको ड्यूअल टोन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अगर आप कोई एडिशन कंसीडर कर रहे हैं इस प्राइस ब्रैकेट में तो आप इसका कैमो एडिशन भी कंसीडर कर सकते हैं, जो कि 10,000 एक्सपेंसिव है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें, ताकि हम और वीडियोस पे इम्प्रूव करें। और अगर आपको कोई वीडियो में कुछ पार्ट अच्छा ना लगा हो या फिर कोई किसी चीज़ का फीडबैक आप देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल कार सेरा को।